तो भगाने की टीम होगी और दूसरा पकड़ने की टीम होगी। डायरेक्टर प्रतीक वत्स ने सही कहा है, करप्शन एक बंदर की तरह है, आप भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब डायरेक्टर ने ये फिल्म बनाई थी तो वो इनडायरेक्टली अपने ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि मंकी बिजनेस एक मजाक तो है बट इट ऑल्सो शोज अ रियलिटी चेक ऑन द इंडियन सोसाइटी। हाय, मेरा नाम सोहिनी उर्फ पांडा है और मैं यहाँ अपने चैनल की दुकान पे एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी और कोई भी चीज का भरता बनाती हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना बिकॉज आई हैव सम रियली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट आई डिस्कवर्ड ऑन दिस जेम। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि सच अ जॉब एग्जिस्ट जहाँ पे आप मंकीज को शो अवे कर रहे हो। वैसे भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस बैठे हुए हैं। अब उस लड़की को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह से बिहेव करना है। तो चुगली और गॉसिप करने से तो अच्छा है ये जॉब ले लो। अरे आप लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? क्या जॉब? हमें कौन जॉब देगा? हाँ वो भी सही है। कहानी का प्लॉट ये है कि द मेन प्रोटैगनिस्ट अंजानी हु इज प्लेड बाय शार्दुल भरद्वाज दिल्ली आते हैं काम ढूंढने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उसे ये जॉब मिलता है वेर ही हैज टू शो अवे द मंकीज फ्रॉम द पब्लिक बिल्डिंग्स जिन्होंने लोगों को परेशान करके रख दिया है। भाई मेरे लिए तो बंदर वो है जो लड़कों को ताड़ते रहते हैं जैसे ही वो घर से निकलते ही, दूर चलते ही, You know what I mean? बताने की जरूरत नहीं है। टाइटल में तीन शब्द है यानी कि दीज आर दो साउंड्स जो मंकी चेजर्स यूज करते हैं मंकीज को भगाने के लिए। बंदर लंगूर से बहुत ज्यादा डरते हैं और इस पिक्चर का आइडिया डायरेक्टर को तब आया था जब उन्होंने न्यूज में पढ़ा था कि लंगूर्स आर नो लॉन्गर अलाउड टू बी यूज्ड टू स्केयर अवे मंकीज जो राष्ट्रपति भवन के आसपास घूमते रहते हैं। सो दे हायर्ड पीपल टू ड्रेस अप एज लंगूर्स एंड इमिटेट देम ताकि मंकीज को वो ड्राइव अवे करे। इट साउंड सो वियर्ड बट द स्टोरी इज अबाउट दोज पीपल जो हमारे सिटीज को बनाते हैं, हमारे घर को बनाते हैं बट खुद इतने इनविजिबल रहते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द माइग्रेंट लेबर्स हु फेस अ शैबी ट्रीटमेंट। उनका ट्रीटमेंट इतना कुछ खास अच्छा नहीं होता है। अंजानी अपनी दीदी और जीजू के साथ दिल्ली में रहते हैं अक्रॉस द रिवर बेसिकली जमुना पार इन अ स्लम बियॉन्ड द NDMC लाइंस न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी। अब अंजानी माइग्रेंट है, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है ऐसा तो नहीं बोल सकता ना। अंजानी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे बंदरों की फौज को भगाने का काम मिलेगा। Instead, he wanted a better life. Obviously, ये काम करते वक्त आप इतने stupid लगते हो and it's just so ridiculous. If you're a Potterhead, comment. मतलब ये जॉब करते वक्त वो इतना स्ट्रगल कर रहा है जिस तरह से हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं लॉकडाउन के टाइम पे। यहाँ पे क्लाइंट्स बंदर है, हर वक्त हमें कॉल करके परेशान करते रहते हैं और उन्हें भगा भी नहीं सकते। दिस कैरेक्टर फील्स वेरी सफोकेटेड। नहीं भाग रहा तो भगाइए ना जी। हाँ, भगा रहे हैं, बंदर है। आई फील यू ब्रो। अगर आप नोटिस करो तो हम यहाँ पे जानवरों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और ज्यादातर रीजंस रिलीजियस होते हैं जैसे कि डॉग्स, चूहे और उनमें से है बंदर। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई द मंकी पॉपुलेशन इन दिल्ली इज ग्रोइंग सो मच। और क्योंकि हम मंकीज को इतना ज्यादा प्यार देते हैं उनमें ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर वो लोग सोचते हैं कि हम यही रहेंगे और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। मुझे एक सीन बड़ा सही लगता है, वेदे शो अ मैन इन अ लंगूर कॉस्ट्यूम ड्राइविंग अवे द मंकीज इन स्लो मोशन, बड़ा सही लगता है वो। दूसरा सीन जो मुझे बहुत सही लगता है वेयर अ मैन इज एक्चुअली टीचिंग अंजानी हाउ टू कम्युनिकेट विद द मंकीज। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ डिग्निफाइड जॉब, तो इतना स्टूपिड और फनी है, शायद इस वजह से मैं अंजानी को देख के बार बार स्माइल करती रहती हूँ। बट एट द सेम टाइम आई फील सिंपथी फॉर द कैरेक्टर एज ही स्ट्रगलिंग विद दिस जॉब। इस पिक्चर की फिल्मिंग को लगे 60 days इन द ईयर ऑफ 2018। इनफैक्ट दीज पीपल इवन हैड अ वेट डॉक्टर ऑन द सेट। कभी कभी क्रू को बहुत दिन तक वेट करना होता था जस्ट टू वेट कि मंकी का राइट रिएक्शन कब आएगा। ये फिल्म सिलेक्ट हुई थी फॉर द बर्लिन 70th फिल्म फेस्टिवल। प्रोड्यूस की गई है अनुराग कश्यप से एंड ऑब्वियसली अनुराग कश्यप इज इन्वॉल्वड इट हैज टू बी समथिंग यूनिक। आई मीन वी हैव नेवर कम अक्रॉस सच अ नॉवल कॉन्सेप्ट बिफोर राइट। एंड वेरी स्मार्टली द डायरेक्टर हैज प्रेजेंटेड अ वेरी ह्यूज मेटाफॉर। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो बंदर है दे हैव रीच्ड द हाईएस्ट प्लेस ऑफ पावर दैट इज लुटियंस दिल्ली और वहां पे शोर मचा रहे हैं। तो बेसिकली बंदरे सड़कों पे शोर मचा रहे हैं और बहुत सारे बंदर उन पावरफुल बिल्डिंग्स के अंदर है और इस कंट्री को चला रहे हैं। दे आर रनिंग द कंट्री। आई थिंक दैट्स अ लॉट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस बट आई थिंक वेगली दैट इज व्हाट द डायरेक्टर इज ट्राइंग टू प्रिडिक्ट। तो ये मेरा आज का ब्रेकडाउन था। तो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है हैव यू सीन द फिल्म और नॉट। इट हैज कम आउट ऑन नेटफ्लिक्स, गो वॉच इट। टिल देन माय डियर जनता डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट घंटा सो दैट यू नो व्हेन आई एम नेक्स्ट ऑनलाइन ऑन यूट्यूब। बाय।